जिसमें पिछला मैच, थैंक यू डीजे, थैंक यू, सेवाड़ी टीम ने जीत हासिल की है और इस मैच का भी प्लेयर ऑफ द मैच प्रेजेंट किया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सेवाड़ी की पूरी टीम प्रेजेंटेशन एरिया के पास पहुंचे। प्लेयर ऑफ द मैच बनी है 11 बॉल पे 30 रन बनाने वाली, 4 सिक्सर जिन्होंने लगाए, डॉली है प्लेयर ऑफ द मैच। प्लीज सभी लोग स्टेज के पास पहुंचे, सेवाड़ी की पूरी टीम स्टेज के पास पहुंचे, प्लेयर ऑफ द मैच वहां पर प्रेजेंट किया जाएगा। डॉली है प्लेयर ऑफ द मैच, 11 बॉल 4 सिक्सर 30 रन। एंड सालोदा के कैप्टन हितेश भाई है आई गेस, तो हितेश भाई आ जाओ सालोदा के कैप्टन, प्लीज आगे टॉस करना है। एंड सालोदा के सामने जो टीम है अभी आ जाइए प्लीज टॉस के लिए। नया मैच लेडीज का शुरू हो रहा है, बाली वर्सेस लुनावा। सालोदा एंड कोसेलाव के कैप्टन आलोक सेवाड़ी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है एक बार। कोसेलाव के कैप्टन आ गया टॉस के लिए, सालोदा एंड कोसेलाव के कैप्टन। सेवाड़ी की प्लेयर ऑफ द मैच बनी है डॉली, आलोक है वहां पर जो इनिशिएट करेंगे ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। सो दो गेंदों में दो रन, पहला बॉल सिंगल था, दूसरा बॉल भी सिंगल, भव्य कर रही है बॉलिंग फर्स्ट ओवर में। और यूनाइटेड हल्के क्वींस की तरफ से ओपनर है श्वेता और मनाली। तीन गेंदों में अब तक आए हैं तीन रन। पिछला मैच जिसमें टीम सेवाड़ी ने जीत हासिल की, सो हम चल रहे हैं पिछले मैच के वुमेन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं राजू भाई आ जाओ प्लीज बैकड्रॉप के पास। राजू भाई आ जाओ बैकड्रॉप के पास। चार गेंदों में बने हैं पांच रन। सालोदा एंड कोसेलाव के कैप्टन आ जाइए प्लीज टॉस के लिए, सालोदा एंड कोसेलाव के कैप्टन। पांच गेंदों में अब तक बने हैं छह रन, पहले ओवर की आखिरी गेंद। आप अजय भाई प्लीज, कैमरामैन को जगह दे दो अगर आप लोग अटेंड करें तो। वॉली इवेंट्स ट्रॉफी ला दो। अच्छा इधर खड़े हो ले भाई। ये व्हाइट बॉल पांच पे सात, वॉली इवेंट्स की वॉलंटियर में से सिमरन जाने भी हो प्लीज। एक और मैच खत्म हुआ और वुमेन ऑफ द मैच के लिए हम जा रहे हैं आगे। एंड वुमेन ऑफ द मैच सेवाड़ी की टीम की धाकड़ प्लेयर एंड एवरीवन ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉली। अच्छा आप लोगों ने अगर इनको कुछ वक्त पहले किसी और हमारे टूर्नामेंट में सुना होगा तो आप लोगों को ये जो इनका नारा है, ये जो इनका ये एनर्जी वाला स्लोगन है, ये आप लोग ने याद किया होगा, है ना? सेवाड़ी सेवाड़ी। चलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राजू भाई से पहले ट्रॉफी। अब आपको मोबाइल मिलेगा, मोबाइल में फोटो। हाँ MVP!
एक और राजू भाई और ये हॉलाइट की तरफ से बेटा थोड़ा सा स्पॉन्सर दिख जाए। हाँ चलिए थैंक यू। ये हमारे जो ट्रेवल पार्टनर है हॉलाइट उनकी तरफ से ये गिफ्ट वाउचर। टीम यूनाइटेड एल के क्वींस का स्कोर हुआ है 1.2 ओवर के बाद 12 रन विदाउट लॉस। वेल डन डॉली जी, थैंक यू सो मच, कीप इट अप। चलिए सो कोसेलाओ के कैप्टन विक्रम भाई एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूं सालोदा के कैप्टन। एक और बेहतरीन स्ट्रोक और एक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, वन मोर एमटीसी ग्रुप चौका। दूसरा ओवर चलता हुआ, बाली वर्सेस लुनावा, ये वुमेन्स का मैच। इससे पहले हमने देखा देसुरी ने जीत हासिल की, फिर सेवाड़ी ने जीत हासिल की और अब देखते हैं बाली विजेता बनेगी या फिर लुनावा। थर्ड स्कोर और देखते हैं क्या दो रन पूरे हो जाएंगे। जी हां, अच्छी रनिंग विकेटों के दरमियान। अब स्कोर हुआ 19 रन्स। पहले ओवर में भव्य ने सिर्फ 7 रन दिए थे और इस ओवर में अब तक 12 रन आए हैं। सो टोटल जो स्कोर है वो पहुंचा है 19 रनों पर, 19 रन्स। और ये इस ओवर की आखिरी बॉल जिस पर क्या दो रन पूरा हो जाएगा। जी हां, मनाली है काफी क्विक विकेटों के बीच में, दो रन के साथ ओवर नंबर 2 कंप्लीट। दो ओवर के बाद स्कोर 21। सो चलिए और चल रहे हैं एक बड़े मैच के टॉस के लिए और पहली बार सालोदा खेलेगी हमारे एमटीसी मधुर कप में। अभी भाई बहुत सारे सरप्राइजिंग पैकेजेस निकलने वाले हैं और उनके कैप्टन हितेश या राजीव भाई क्या बोलते हैं, वेलकम टू एमटीसी मधुर कप। हितेश बहुत चाहत थी आपकी एमटीसी मधुर कप खेलने की और आज फाइनली वो डे है। सो बड़ा दिन आप लोग के लिए, आप लोग की टीम में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होगी। यस, हमेशा एमटीसी खेलने में बहुत मजा आता है और ये बहुत एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो मेवाड़ की एक टीम है जो सलोदा, हमेशा कोई भी इंटर विलेज टीम में वो पार्टिसिपेट करती है। तो हमने हमेशा, मुझे अनिल भाई ने सामने से फोन किया कि आप टीम डालिए इस पे। एक बात मैं आपको और बताऊं विक्रम भाई एंड राजू भाई, चूंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वन ऑफ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक हैं ये। इनकी टीम अगर आप देखेंगे ना, राजू भाई एंड विक्रम भाई, सो इनकी टीम आपको अगर आप लोग ने 300 मूवी देखी है, सो 300 मूवी में सब कैसे एकदम फिट हंक। हाँ, अपने इनके प्लेयर्स मोस्टली 11 में से आप 9 फील्डर्स ऐसे नजर आएंगे विक्रम भाई ना, जो सब बहुत फिट हैं। मजा आएगा। एक तरफ कोसेलाओ बहुत एक्सपीरियंस टीम है, विक्रम भाई को बहुत अच्छा नॉलेज है क्रिकेट का, और दूसरी तरफ थोड़े यंगस्टर्स हैं लेकिन इनका भी गेम बहुत शानदार है। पहले उतरे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी होगा इतने बड़े बंच में परफॉर्म करने करते हैं हम राजू भाई। और ये क्वाइन है, सो एमटीसी एंड एलकेई। सो टॉस सालोदा वर्सेस कोसेलाओ, एमटीसी इज द कॉल फ्रॉम सालोदा कैप्टन एंड इट्स राजू भाई एलके कोसेलाओ, टॉस विन बाय कोसेलाओ। सो कोसेलाओ ने टॉस जीता। विक्रम भाई हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे, हमारा बॉलिंग स्ट्रेंथ थोड़ा अच्छा है तो हिसाब से हम सोच रहे हैं पहले बॉलिंग करके कम से कम इनको रोके वो स्कोर में और फिर देखेंगे आगे क्या होता है। चलिए वुमेन्स के मैच ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, ऑल द बेस्ट आपको हितेश भाई, पहली बार आए, ऑल द बेस्ट विक्रम भाई। कोसेलाओ गांव में बहुत अच्छा आप लोगों ने क्रिकेट खेला, परफॉर्मेंस किया एंड थैंक यू सो मच राजू भाई, थैंक यू।
मच, थैंक यू। इस मैच की तरफ रुख करें तो बाली की टीम की दोनों ही ओपनर्स हमेशा की तरह एक बार फिर से एक अच्छी नींव प्रदान करती हुई और यहां पर मनाली के बैट से निकलता हुआ एक और एमटीसी ग्रुप के सम्मान में चौका। स्कोर है 29। तीसरा ओवर चल रहा है, भव्य कर रही है बॉलिंग, 29 है स्कोर। मनाली और श्वेता है प्लेयर यूनाइटेड एलके क्वींस के लिए बालीगांव से। गुड शॉट अगेन दिस टाइम बाय श्वेता और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग ज्योति जी के द्वारा और मनाली की रनिंग के तो क्या कहने। इन दो रनों से तीसरा ओवर समाप्त हुआ। तीन ओवर के बाद जो रन्स हैं वो पहुंच चुके हैं 32 विदाउट लॉस, 3 ओवर 32 बगैर कोई विकेट। ओवर नंबर 4 में बॉलिंग करेंगी सरिता, टीम लुनावा थोड़ा सा समय का ध्यान दे। एक चीज तो तय है कि टीम लुनावा के जो कोच है मनीष भाई अपने सभी प्लेयर्स को फिट तो कर देंगे, अगर हर 3 महीने में ऐसे इवेंट्स होते रहे तो आप देखिए ऑन साइड की जो प्लेयर हैं वो अगली 2-3 गेंदों के बाद ऑफ साइड में फील्डिंग के लिए जा रही हैं। और ज्योति जी यहां पर कोशिश करेंगी लेकिन गेंद रुकेगी नहीं, ये निकलता हुआ एक और एमटीसी ग्रुप चौका। सो स्कोर हो गया 36। स्कोर ये ओवर नंबर 4। इसके बाद आज के शेड्यूल में 2 मैचेस और बचे हैं जो कि मेंस के मैचेस हैं। एक का तो ऑलरेडी टॉस हुआ जो हमने देखा सालोदा और कोसलाओ के बीच में, और एक और मैच उसके बाद जो है वो है सालोदा और लुनावा के दरमियान। ये मेंस के 2 मैचेस आज के शाम के। और थोड़ी सी डाइवर्ट हुई गेंद और चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 मोर बाउंड्री। ये निकला माइक्रो लैप्स लिमिटेड चौका। लेडीज के मैचेस में अभी तक सबसे ज्यादा टोटल जो बनाया गया है वो देसुरी टीम ने बनाया था 56 रन्स का, और अब देखना है कि क्या यूनाइटेड एलके क्वींस बाली उस रन को पार करेगी। अभी तक तो अच्छी बल्लेबाजी है, 30 का आंकड़ा ऑलरेडी पार कर चुके थे, 3 ओवर में ही 32 रन बना लिए गए थे यूनाइटेड एलके क्वींस बाली के द्वारा, और इस ओवर में भी अच्छे रन्स बने हैं अब तक। पुश करते हुए 1 रन के लिए निकली बैट्समैन मनाली। बॉल 43 हुआ। टोटल जो स्कोर है वो है 43 रन्स, लास्ट बॉल टू गो। ये चौथे ओवर की आखिरी गेंद है, 43 है स्कोर। एमटीसी मरुधर कप 2020 डॉट बॉल के साथ ही ओवर कंप्लीट, 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर के बाद स्कोर है 43 विदाउट लॉस। और एक और बाइक है जो हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड जो बाइक का नंबर है वो है 9834983 है। जिस किसी की भी बाइक हो प्लीज, ये लास्ट कॉल है आपके लिए, एंड अगर इसके बाद भी आप वहां से बाइक नहीं मूव करते हैं सो हमें मजबूरन उस बाइक को टो कराना पड़ेगा।
तो आई रिक्वेस्ट, बाइक का नंबर है 4983. सो प्लीज आप 2 से 3 मिनट के अंदर इस बाइक को प्लीज हटा दें. मैं ऑलरेडी कम से कम 8 से 10 बार हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं. सो जिसकी भी बाइक हो प्लीज 983. आखिरी ओवर में बॉलिंग करेंगे चित्रांशी और पहली बॉल पे मिलती हुई चित्रांशी को सफलता, लुनावा के लिए पहली खुशियों की खुराक. यूनाइटेड एलके क्वींस बाली के लिए नई प्लेयर पुणे से आई है पूनम स्ट्राइकिंग एंड पर. स्कोर 43 है, 4.1 ओवर, 1 विकेट. चित्रांशी ने यह विकेट लिया, आउट हुई मनाली और अब न्यू बैट्समैन पूनम जो ऑल द वे फ्रॉम पुणे आई है पार्टिसिपेट करने एमटीसी मर्दर कप में. बॉल 15 बॉल में 26 रन बनाकर आउट हुई मनाली. बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस मनाली का देखने को मिला. 15 बॉल 26 रन बनाए. 43 में से 26 मनाली के थे. और अब न्यू प्लेयर पूनम ने 1 रन से अपना अकाउंट ओपन किया, टीम को पहुंचाया 44 पे. चित्रांशी बॉलिंग कर रही है, ये आखिरी ओवर है पहली पारी का और श्वेता है बैट्समैन. क्या क्या 2 रन के लिए निकलेंगे, शायद खतरा हो जाता अगर थ्रो अच्छा होता, लेकिन धीमा थ्रो और 2 रन कंप्लीट. सो स्कोर हुआ 46. और इस बार ओहो जबरदस्त फीलिंग. ओ शायद अगर फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में लगाते स्टंप्स पे तो विकेट हो जाता. नैना जी की जबरदस्त फील्डिंग बाउंड्री लाइन पे, वेल फील्डेड नैना जी. स्कोर हुआ 48, 48 रन. आखिरी कुछ गेंदे ही बची हैं. 48 हेड स्कोर और ये एक और विकेट. चित्रांशी ने एक और विकेट लिया और वो भी बॉल के रूप में. विकेट नंबर 2 फॉर चित्रांशी एंड फॉर लुनावा. चित्रांशी पहली मर्तबा इंटरविलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्ट ले रही है लुनावा से. आई थिंक कल्याण में उनका रेसिडेंशियल घर है. और 5 बॉल में 5 रन देकर 2 विकेट्स चित्रांशी ने लिए हैं. क्या एक और विकेट, जी हां, चित्रांशी को मिलती हुई तीसरी सफलता, टीम लुनावा को मिलती हुई तीसरी सफलता. और इसी के साथ 5 ओवर हुए समाप्त, टोटल रन्स बने यूनाइटेड एलके क्वींस बाली के 48. थैंक यू जीजे. चलिए चित्रांशी से हम बात करते हैं. आई थिंक फर्स्ट टाइम चित्रांशी यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. या दिस इज माय फर्स्ट टाइम एंड आई एम टेकिंग 3 विकेट्स, सो वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ. सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस प्लेइंग इन इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट एंड टेकिंग 3 विकेट्स इन वेरी फर्स्ट ओवर. It is just amazing and one of the unexpected moment of my life. And I'm sure my parents are watching me, so I'm sure they'll be proud of me. मैं चाहूँगा हमारे जो वीडियोग्राफर हैं वो प्लीज इस मोमेंट को कैप्चर करें. चित्रांशी इस समय यहाँ पर हैं, 48 रन्स, 3 विकेट
गिरे बाली के और तीन के तीनों विकेट्स चित्रांशी ने लिए. हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग फॉर दिस इवेंट? यस ऑफ कोर्स, फ्रॉम पास्ट वन एंड हाफ मंथ आई एम प्रैक्टिसिंग. एंड यू मस्ट बी हैप्पी द वे यू हैव गॉट द विकेट्स? ऑफ कोर्स, वेरी मच. सो कांग्रेचुलेशंस फॉर योर परफॉर्मेंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सेकंड इनिंग. थैंक यू चित्रांशी. सो अब यूनाइटेड एलके क्वींस बाली जिन्होंने बनाए 48 और टारगेट दिया है 49 का. पहली इनिंग की हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली श्वेता की बैटिंग, मनाली की बैटिंग, लेकिन यू कैन नॉट फॉरगेट द वे टीम लोनावा फील्डेड. स्पेशली नैना जी की फील्डिंग जबरदस्त रही, ज्योति जी की फील्डिंग जबरदस्त रही और चित्रा जी की बॉलिंग. ये कुछ हाइलाइट्स रही फर्स्ट इनिंग की जहां पर 48 रन बने. हालांकि सभी प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन रहा लेकिन जो हाइलाइट्स नजर आ रही हैं, अब देखना है दूसरी पारी में जब टीम लोनावा उतरेगी, श्री लोनावा क्वींस उतरेगी 49 रनों का टारगेट जहन में लेकर, क्या कुछ होगा. नजर डालेंगे मैदान पे. थैंक यू डीजे, थैंक यू. सो अभिता स्ट्राइक पे हैं, ज्योति नॉन स्ट्राइक पे और बॉलिंग करने के लिए पहली ओवर में. दिशा करेंगी फर्स्ट ओवर में बॉलिंग. दिशा है फर्स्ट ओवर में बॉलर. अभिता स्ट्राइक पे, ज्योति नॉन स्ट्राइक पे. 49 का है लक्ष्य. ओहो क्या स्पीड है यार इनके पास. हालांकि वाइड जरूर रही गेंद लेकिन स्पीड से बहुत इंप्रेस किया दिशा ने फर्स्ट बॉल पे ही. खाता खुला इस वाइड रन से और अगली बॉल पे अभिता ने भी अपना अकाउंट ओपन किया सिंगल लेकर. एक गेंद दो रन. दिशा है बॉलिंग करती हुई. रफ्तार बहुत जबरदस्त है इनके पास. जिस तरह से बेस बॉल में थ्रो करते हैं उस तरह से रफ्तार है दिशा की गेंदबाजी में और अच्छी लेंथ पर भी गेंदों को फेंक रही हैं दिशा. तीन बॉल में अभी तक तीन रन बने हैं और एक और रफ्तार भरी गेंद. देखते हैं इशारा एम्पायर का, वाइड बॉल का इशारा है और प्लस वन भी मिल जाएगा. सो तीन गेंदों में पांच रन अब तक श्री लोनावा क्वींस के बने. थ्री बॉल्स फाइव रन्स. एंड यहां पर एक और रन. फोर्टी नाइन का है टारगेट. अगेन अ गुड शॉट बट जस्ट वन इज व्हाट दे विल गेट. ओ, इस बार रफ्तार बहुत ज्यादा और बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग यहां पर.
निश्चित ही अपनी टीम के लिए यहां पर 3 रन बचाए इन्होंने जो बाउंड्री लाइन पे मौजूद हैं फाइनल के क्षेत्र में। मुस्कान है बाउंड्री लाइन पे जिन्होंने बहुत अच्छा सेव किया अपनी टीम के लिए, 3 महत्वपूर्ण रन बचाए। पहला ओवर समाप्त हो गया और पहले ओवर के बाद जो स्कोर है वो पहुंचा है 8 रनों पर, 8 रन्स। और दूसरे ओवर में बॉलिंग करेंगी मनाली और ये जबरदस्त स्ट्रोक, क्या ये सिक्सर है या चौका, एम्पायर का इशारा आता हुआ, एमटीसी ग्रुप सिक्सर ज्योति के बैट से ये दूसरी पारी का पहला सिक्सर। सो स्कोर हो गया 14। हाल ही में संपन्न हुए एक इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में यूनाइटेड एलके क्वींस की टीम चैंपियन बनी है और उनके खिलाफ लुनावा का ये मैच चुनौती कड़ी जरूर है लेकिन लुनावा कभी किसी से कम नहीं। स्कोर हो गया है सिक्सर से 14 रन। एक सिंगल, स्कोर हुआ 15। अच्छी बैटिंग ज्योति जी के द्वारा भी और अभिता की तरफ से भी। वन मोर सिंगल, जिस तरह से पहली पारी में हमने देखा कि मनाली और श्वेता ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी टीम यूनाइटेड एलके क्वींस बाली को, उसी तरह इस पारी में अभिता और ज्योति जी ने अच्छी शुरुआत अब तक अपनी टीम को दिलाई है। एक रन और, सिक्सर से 14 हुआ था, फिर 15, फिर 16 और 17 इस समय स्कोर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। दूसरा ओवर 17 रन्स, टारगेट है 49 का। यह है एमटीसी मरुधर कप लेडीज के मुकाबले, 3 मैचेस आज खेले जाने थे जिसमें से 2 ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, ये लेडीज का 3रा मैच और ये गेंद भी रही डॉट। सो ओवर समाप्त हो गया यहां पर 2, इस ओवर में आए 9 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया 17 विदाउट लॉस, 2 ओवर 17 रन्स। और चलिए चलते हैं कुछ लोगों के बीच जो हमारी यहाँ पे वुमेन्स बैठी हैं और उनसे पूछते हैं 18 बॉल्स एंड 32 रन्स, है ना, 18 बॉल्स 32 रन्स। सो सबसे पहले शिल्पा जी मुझे आप बताइए कि 18 बॉल्स 32, लुनावा जीत रही है या बाली जीत रही है? लुनावा जीतेगी, यहाँ से लोग कहते हुए लुनावा जीतेगी। एंड हाँ शिल्पा जी, माई कजन इज प्लेइंग ज्योति। ज्योति जी प्लेइंग, सो शिल्पा जी सपोर्टिंग लुनावा। पंकज जी की तरफ चले, पंकज जी की मिसेज की तरफ। सो मैम क्या लग रहे हैं, लुनावा या फिर बाली के चांसेस आपको ज्यादा बेटर लग रहे हैं? इस समय 17 बॉल्स पे बनाने हैं 30 रन या 16 बॉल पे? जो अच्छा खेलेगी ना वो जीतेगी। मुझे पता नहीं आप लोग को आवाज आएगी कि नहीं आएगी क्योंकि इतना इतना धीरे से बोलते हैं, तो मैं बता देता हूं, उन्होंने कहा कि आलोक जो अच्छा खेले वो जीते। सो जी हाँ देखते हैं, ये आपके ऊपर ना मुझे पता, फर्नीचर डाउन क्लीन बॉल एंड बड़ा विकेट, अभिता जी आउट। दिशा ने दिलाई ये सफलता, दिशा को पहला विकेट मिला 20 के स्कोर पर, टीम का जो स्कोर है 20 उस पे अभिता आउट। पंद्रह पे 29 की जरूरत, 29 मोर रन रिक्वायर्ड्स इन रिमेनिंग 15 बॉल्स। न्यू प्लेयर आई है स्ट्राइक पे श्वेता, स्कोर है 20, 15 पे चाहिए 29। और क्या यूनाइटेड एलके क्वींस के लिए ये न्यू एडिशन है जो प्लेयर इस समय गेंदबाजी कर रही है? शायद पिछले कुछ एडिशन में एक आध बार खेली है लेकिन स्मैशर्स में शायद ये नहीं थी जो थी, लेकिन इस बार इनकी रफ्तार बहुत तेज है मुझे लग रही है। और एक और विकेट दिशा के खाते में, वन मोर विकेट।
सो ओवर तीन हो गए समाप्त. तीन ओवर के बाद स्कोर 20 है. ओ वेल फील्डेड. श्वेता कर रही है बॉलिंग. तो काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है अभी तक का दिशा का. एक और विकेट का पतन. भव्य इज ऑल्सो आउट. सो अब उम्मीदें लगातार बढ़ती हुई टीम बाली की. एंड कुछ गेस्ट यहाँ पे हैं. डीजे थैंक यू. डीजे थैंक्स. डीजे वाले भैया थैंक्स. सो राजेश जी पूनमिया वेरी वार्म वेलकम सर. थैंक यू सो मच. आप पधारे. अब हमारे शाम की इस रौनक में और चार चांद लग गया है. राजेश भाई, राकेश भाई ज्यादा टाइम तक थे लेकिन राजेश भाई ने भी अपने आप समय दिया. इसके लिए हम सभी एलके यूथ क्लब की तरफ से थैंक्स कहते हैं. शुक्रिया सर. और उनके साथ साथ अब को ना हम इससे ज्यादा जानते हैं सेनिल के डैड. हाँ बेटा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है सेनिल. रानी गांव रॉकर्स के सेनिल. और रमेश जी आपका भी बहुत स्वागत है. राजेश भाई कैसा लग रहा है माहौल इतनी रात को? और वो भी हमारे घर की आन बान शान हमारी बहनें भाभियां खेलती हुई. बहुत अच्छा लग रहा है. मैं तो YouTube से कंटिन्यूस आज पूरे दिन देख रहा था. बट जो शाम का माहौल है और जो लाइट है और ये है फैंटास्टिक व्यू आ रहा है. सुपर्ब. मैच चलता हुआ एक तरफ है लुनावा और दूसरी तरफ है बाली. अगर मैं राजेश भाई आपको पूछूं क्योंकि ना आप लुनावा से हैं ना बाली से हैं तो किस टीम को आप सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए इम्पोर्टेंट मेरे लिए तो लुनावा है. आई एम सपोर्टिंग लुनावा. क्या है राजू भाई इधर है. आई कैन नॉट टेक एनी चांसेस. राजू भाई सपोर्टिंग. एक और जबरदस्त कैच. श्वेता ने दिलाई ये सफलता. अपने ही फॉलो थ्रू में कैच भी पकड़ा श्वेता ने. ज्योति आउट होगा पवेलियन की तरफ और न्यू प्लेयर आई है अब नैना. सुलेख भाई के रूप में ये सिंगल. चार ओवर कंप्लीट हो चुके हैं और चार ओवर के बाद जो स्कोर है वो है 23. अब 6 बॉल में 26 रन्स चाहिए. कैप्टन रिदम आई है बॉलिंग के लिए. स्ट्राइक पे है खुशी. 6 बॉल में चाहिए 26. फर्स्ट बॉल और एक और विकेट. क्या बात है. मतलब यूनाइटेड एलके क्वींस की आप फील्डिंग देखिए. पहले दिशा की जबरदस्त फील्डिंग और बॉलिंग, फिर श्वेता का वो कैच और अब कैप्टन रिदम का भी अपने ही फॉलो थ्रू में ये जबरदस्त कैच. सो 23 के स्कोर पर खुशी का विकेट. न्यू प्लेयर आई है अब कविता. 5 बॉल पे 26 रन्स चाहिए टीम श्री लुनावा क्वींस लुनावा को. चार बॉल बची है और 4 बॉल पे 25 रन और बनाना है. वन मोर सिंगल. सो अब 25 हुआ. 24 चाहिए 3 बॉल में. 3 बॉल्स 24 रन्स रिक्वायर्ड. टू बॉल्स लेफ्ट 24 रिक्वायर्ड. सिमरन सो जस्ट 1 or 2. Let's see how many runs they'll get. So, 2 run mile. Score hua 27. I think last ball ab bachi hai. Aakhri gain is match ki. Last ball. Strike pe hai Naina. Aur dekhte hain aakhri gain pe kitne run milte hain. Achhi fielding Shweta ke dwara. और 1 run दूसरे पे हुए आउट. टोटल रन्स बने 28.
टीम यूनाइटेड एलके क्वींस ने 20 रन से ये मैच जीत लिया। मेरी कांग्रेचुलेशन टू टीम यूनाइटेड एलके क्वींस बाली, बहुत बहुत बधाइयां एंड हार्ड लक श्री लुनावा क्वींस।